Hello students, now we will going to start our next chapter, that is heat. अब heat ये जो chapter है वो काफी interesting है और ये easy भी है. Easy इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जो daily use की जैसे thermometer है, daily in the sense की जैसे हमने कहीं ना कहीं देखी हुई है, जैसे कि hospital में, घर में भी आजकल thermometer होता है, digital thermometer, then और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो जैसे कि हमारे डेली लाइफ में हम गर्म पानी यूज कर सकते करते हैं, तो उसके उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेकर हम ये चैप्टर सीखने जा रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर काफी इजी है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज हीट. ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करनी होगी, जैसे कि मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है? हर एक चीज जो है वो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. एंड दीज मॉलिक्यूल्स हैज इट पजेसेस द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी, विच एनर्जी दे आर यूज टू शो द मूवमेंट. देखिए, ऐसी हर एक चीज जो है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हीट. वेन टू ऑब्जेक्ट्स विच इज हैविंग वन इज हॉट एंड सेकेंड वन इज कोल्ड, वेन दे कम्स टूगेदर द हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू हीट पासिस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन. ठीक है, तो ये होती है हीट. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी. ठीक है, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी एंड इट मेजर्स इन द जूल, दैट इज इट्स एसआई यूनिट इज जूल. मतलब एक कोई पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हीट कितनी है उसको हम मेजर करने के लिए जूल ये एसआई यूनिट यूज करते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट इज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अभी देखिए, अगर हमने तीन अलग अलग फ्लास्क लिए, फर्स्ट फ्लास्क में है हॉट वाटर है, नेक्स्ट बी जिसको बी नाम दिया है वो थोड़ा कम हॉट है, एंड सी इज द कोल्डर वन. अगर हमने इस ऑब्जेक्ट में, इस फ्लास्क में अगर हमने हाथ मतलब छोटी सी उंगली ऐसे अगर हमने डीप की, तो हमें क्या लगेगा, ये हम क्या फील कर पाएंगे कि ये काफी, ये ज्यादा हॉट है, ये कम हॉट है और ये कोल्ड है. तो अभी इसको हमें इस ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस है उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर ये कंसेप्ट लाई गई है. तो देखिए, टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. ठीक है, एसआई यूनिट है केल्विन. अब टेम्परेचर जो है वो कैसे मेजर करते हैं? विद द यूज ऑफ थर्मामीटर. अब थर्मामीटर आपने जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हॉस्पिटल में देखा है, घर में भी हम डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं? अगर किसी को फीवर आया है तो हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी. वी नो ऑल दिस थिंग्स ना. तो अभी हम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं, वो कहाँ का है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.